हेलो, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के सेशन में हम 3rd फेब 2023 के जो करंट अफेयर है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो करंट अफेयर है वो FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 के बारे में है। IAS ऑफिसर एंड प्राइवेट सेक्रेटरी उड़ीसा CM के हैं वी कनकैया पांडेन, इनको अवार्ड किया गया है FIS प्रेसिडेंट अवार्ड से। ठीक है, तो इन्होंने सक्सेसफुली जो है मैन हॉकी वर्ल्ड कप 2020 भुवनेश्वर एंड सुंदरगढ़ में जो है इसको होस्ट किया था। उसके बाद इन्होंने पहले भी जो है जैसे कि चैंपियन ट्रॉफी एंड हॉकी वर्ल्ड लीग और FIH प्रो लीग को जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो नेक्स्ट वन बात करेंगे हम अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, यानी कि OBC कमीशन के बारे में। अभी जस्टिस जी रोहिणी लीड, उन्होंने जो है कमीशन को द्वारा से जो है क्या किया है, उनका जो टिनर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये जो अनाउंसमेंट किया गया है ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ द सोशल जस्टिस एंड पावरमेंट के द्वारा किया गया है, और इस टिनर को जो है वो 14th बार जो है एक्सटेंशन किया जा चुका है। अगर इस कमीशन की बात की जाए तो इसको फॉर्म किया गया था अक्टूबर 2017 में। सबसे पहले 1955 में फर्स्ट बैकवर्ड क्लासिक कमीशन अंडर दी काका साहेब कालकेर की कमेटी ने जो है 2399 बैकवर्ड क्लासेस को जो है आइडेंटिफाई किया था, जिसमें कि 837 जो है क्लासिफाइड किए थे मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के तौर पे। उसके बाद सेकंड जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया गया था, जिसको कि नोन एज ए प्रॉपरली जो है मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं, जो कि बनाया गया था 1979 में बाय दी मोरारजी देसाई के लीड बाय दी जनता पार्टी के द्वारा। और उसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 1980 में सबमिट कर दी थी। मंडल कमीशन ने आइडेंटिफाई किया था कि 3743 कास्ट जो है एज ए बैकवर्ड है, जो कि 52% टोटल पॉपुलेशन का है। ठीक है, दिस इज द अपार्ट फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अगर नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस की बात की जाए तो इसका जो आर्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में 338 B है। इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो 14 अगस्त 1993 में बनाया गया था अंडर दी नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993। उसके बाद 102nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2018 में, इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है दे दिया गया था। और नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस में जो है कॉन्स्टिट्यूट 5 रेगुलर मेंबर्स हैं। ठीक है, एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड बाकी जो है अदर मेंबर्स हैं। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम T20 के बारे में। चाहल बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर द इंडिया टीम 2020 में। उन्होंने जो है सबसे ज्यादा जो है विकेट ली है। इन्होंने जो है अचीव लैंडमार्क जो है सेकेंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद इन्होंने 21 विकेट्स ली इन दी 75 मैचेस में। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार जो है वो सेकंड पे है, जिन्होंने की 90 विकेट्स ली इन दी 87 में। उसके बाद थर्ड बॉलर जो है वो रविचंद्र अश्विनी है, जिन्होंने की 72 विकेट्स ली है। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम इक्वेटोरियल गिनी, ये कंट्री है कहाँ पे सिचुएटेड है तो देख लेते हैं। ये अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे सिचुएटेड है। यहाँ पे इसकी लोकेशन है जिसकी टेरिटरी के अटलांटिक ओशियन के साथ शेयर करती है, और भी जैसे कि कैमरून गबन जैसी कंट्री जो है इसको बॉर्डर शेयर करते हैं। अब ये न्यूज में क्यों है, अभी जो प्रेसिडेंट ऑफ इक्वेटोरियल गिनी है जिनका नाम का टिरोडो उइबान निगोनी है अब सांगो, उन्होंने जो है नुनेला रोका बोटे को क्या किया है एज ए फीमेल प्राइम मिनिस्टर कंट्री बनाया है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम या तासो के बारे में। या तासो एक लेक है जिसको कि प्रपोज किया गया है लद्दाख की फर्स्ट बायोडिवर्सिटी हेरिटेज साइट अंडर दी बायोलॉजिकल डिवर्सिटी एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो रेजोल्यूशन है वो साइन किया गया था विलेज स्टेक होल्डर एंड सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के द्वारा। अगर बात करें हम या तासो लेक के बारे में, इट इज नोन एज ए बर्ड्स पैराडाइज, और इसकी जो लोकेशन है वो एल्टीट्यूड पे है 4820 मीटर इन दी लद्दाख, और इट इज दी आल्सो वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट ऑफ द ब्लैक नेक क्रेन के लिए। और इसको जो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है उसको फंडेड बाय दी ग्लोबल गवर्नमेंट फैसिलिटी के द्वारा जो है फंड किया जा रहा है। नेक्स्ट पर बात करेंगे हम एरो इंडिया 2023 के बारे में।
D4 एंटी ड्रोन सिस्टम जो है, जो कि यूज किया जाता है इंडिया सिक्योरिटी के लिए, उसको परेड के दौरान, रिपब्लिक परेड के दौरान जो है शोकेस किया गया था। अगर बात करें इसकी, तो ये ड्रोन जो है डिटैच कर लेता है, और डिट्रे और डिस्ट्रॉय सिस्टम है जो कि फर्स्ट स्वदेशी डेवलप किया गया था, और इसको जो है इंडक्ट किया गया इंडियन आर्म फोर्सेज में, और इट इज डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और मैन्युफैक्चर किया गया है बेल के द्वारा, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिट के द्वारा। और इसका जो पर्पस है वो डिटेक्ट करना, ठीक है, ताकि जो अटैक से जो है बचा जा सके। उसके बाद इसको जो है यूज लेजर बेस्ड किल मैकेनिज्म और टर्मिनेट द टारगेट जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम इकुशे बोए बेला के बारे में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बांग्लादेश शेख हसीना ने जो है इनोग्रेट किया है बिगेस्ट बुक फेयर को बांग्लादेश में, जिसका नाम है इकोशोई मेला इन ढाका। और इसकी जो थीम थी वो पोरोबोई गारो देश बंगबंधुरु बांग्लादेश, यानी कि रीड बुक बिल्ड दी कंट्री ए कंट्री ऑफ दी बंगा बदूज ड्रीम, और ही आल्सो डिस्ट्रीब्यूट दी बांग्ला अकेडमी 2020 लिटरेरी वर्क इन दी बांग्ला। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है, और करेंसी जो है वो टका है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इंडिया ने जो है वेलकम किया है कॉन्गो का इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एम्बेसडर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रैमर्ड सर्गे बैलेंस जिन्हें जो है साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है। अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की जाए तो ये प्रमोट करता है सोलर एनर्जी को, ताकि जो इन्वायरमेंट से डिग्रेड हो रहा है, क्योंकि हम ज्यादातर जो एनर्जी बनाते हैं वो कोयले से या फिर पानी से बनाते हैं, ठीक है, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, पानी को बचाया जा सके और कोयले को बचाया जा सके, और सोलर से जो है क्या की जा सके, एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। ये ज्वाइंट एफर्ट था इंडिया एंड फ्रांस का। नेक्स्ट वन अगर बात करेंगे सोलर अलायंस को, तो इसको 2015 में बनाया गया था। इसका जो सेक्रेटरिएट है वो गुरुग्राम इंडिया हरियाणा में सिचुएटेड है। 107 कंट्री जो है इसके फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन कर चुके हैं, इनमें से 86 जो है वो साइन किए और रेटिफाई एज दी फ्रेमवर्क ऑफ दी एग्रीमेंट। सभी जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो एलिजिबल हैं इसके लिए, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बनने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम नेशनल कमीशन फॉर दी वुमेन। प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने एड्रेस किया था 31st फाउंडेशन डे ऑफ द नेशनल कमीशन वुमेन इन दिल्ली ऑन 31st जनवरी 2023 को। इस बार की जो थीम थी वो सशक्त नारी सशक्त भारत, और इसका एम जो था वो, यानी कि वुमेन की स्टोरीज को जिन्होंने की अच्छा काम किया है उसको प्रमोट करना है। इसी दौरान जो यूनियन मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड बेल्ट स्मृति ईरानी और MOSWCE जिनका नाम डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई, उन्होंने भी जो है इस ओकेजन में पार्टिसिपेट किया। अगर बात करें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को, तो इसको फाउंडेड किया गया था 1992 में अंडर द नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन एक्ट 1990। इसका जो मेन काम है वो इक्वल एंड जस्टिस लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाना वुमेन को, और साथ ही साथ उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और उनके अगेंस्ट होने वाले वायलेंट अक्रॉस द नेशन सोसाइटी और कल्चर को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।